जो सरकार ये दावा कर रही है कि वो निरंतर आगे बढ़ रही है और पूरे देश को विकास की पटरी पर आगे ले जा रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार हल्ला बोल रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से राहुल ने हल्ला बोल किया, मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाया और ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा कि सरकार किसका विकास करने में लगी है। दो बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति पर एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से राहुल ने निशाना साधा। राहुल गांधी केंद्र पर लगातार हमलावर हैं। एक मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाते हुए राहुल ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। दो बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति ब्योरे पर प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि साफ है सरकार किसका विकास करने में लगी हुई है। राहुल गांधी अक्सर दो बड़े उद्योगपतियों का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमलावर होते रहे हैं। देश के आर्थिक हालातों पर राहुल आए दिन मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते आए हैं। कोरोना काल से भी राहुल गांधी मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव की हार के बाद राहुल की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों की सियासी हवा निकलती दिखी। सवाल इस बात पर उठने लगे कि जितनी सक्रिय राजनीति राहुल गांधी को करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। बिहार हार के बाद से पार्टी में अंतर्द्वंद चरम पर है। कई वरिष्ठ नेता बिना नाम लिए राहुल गांधी की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इन दिनों राहुल गांधी अपनी माता सोनिया गांधी के साथ स्वास्थ्य कारणों के चलते गोवा में है। टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट।